अच्छा टैक्स दे रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, उस बेस पे आप अपनी फैमिली को बताओगे कि देखें कौन सी कंट्री स्टडी के लिए बेस्ट है। लेकिन स्टडी के लिए जो मैंने स्टडी एक साल का कोर्स है या दो साल का कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर आपको वहाँ पे रेजिडेंसी भी मिल जाती है और आप वहाँ पे वर्क करते हैं। ये तीनों कंट्रीज यूरोप के अंदर आती हैं, शेंजन है यूरोप के अंदर, तो ये सबसे बेस्ट है। कौन सी कंपनी है जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और स्टडी बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टडी और वर्क परमिट दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के ऊपर आज बात करेंगे और किस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग या स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कौन सी बड़ी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी कंट्री बेस्ट है स्टडी के लिए और कौन सी कंट्री बेस्ट है वर्क परमिट के लिए। आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो सके। पहले बात करते हैं स्टडी पे। देखिए स्टडी पे जब भी आपने अप्लाई करना हो तो ये चीज़ें याद रखें, आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपने आइट्स भी किया हो और मिनिमम मिनिमम आपने एफए किया हो। आप एफए बेस पे किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं स्टडी के लिए। और जब आपने ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर लेते हैं, आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच करवाने के बाद, याद रखेंगे जब आप स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू भी होता है और इस इंटरव्यू के अंदर सवाल जवाब भी होते हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मैं एक दो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जिसमें ये पूछा जाएगा कि वाई यू चूज़ दिस कंट्री, यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, आपने किसी और को क्यों चूज़ नहीं किया, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। सेकंड ये है कि आप वो आपसे पूछेंगे जब आपकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी जो एक साल का कोर्स है या दो साल का है, तो क्या इस स्टडी को कम्प्लीट करने के बाद आप अपना बैचलर या मास्टर कम्प्लीट करने के बाद क्या आप वापस जाएंगे, तो याद रखें आपका जवाब होना चाहिए जी हाँ हम वापस जाएंगे, हम सिर्फ अपनी स्टडी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और कुछ चीज़ें ये भी पूछी जा सकती हैं कि आपको जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इटली है या फ्रांस है या इसके अलावा जर्मनी है, अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंट्री में भी अप्लाई करेंगे, आपको उन कंट्रीज़ के कैपिटल्स का और मेन प्लेसेस का पता होना चाहिए, क्योंकि आपने रिसर्च पहले से की होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप ये कोशिश करें कि सिर्फ हमें वीज़ा किसी तरीके से मिल जाए और किसी तरीके बस हम पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करें उस कंट्री के ऊपर जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, और ये सारे मामलाते हैं, उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। और स्टडी वीज़े के लिए कौन सी वेबसाइट है मैं आपको बता दूँ, स्टडी वीज़े के लिए और वर्क वीज़े के लिए, दोनों के लिए मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा वर्क परमिट के ऊपर। देखिए अब बात आती है वर्क परमिट के ऊपर। अब वर्क परमिट जब कंट्रीज़ के निकलते हैं उसमें होता है एक स्किल्ड वर्क परमिट, जैसे कि मैंने जर्मनी के हवाले से वीडियो बनाई थी, और एक होता है अनस्किल्ड वर्क परमिट, जैसे कि खेती बाड़ी के वीज़े होते हैं, और नॉर्मली ये वीज़े हर कंट्री से, जो बड़ी कंट्रीज हैं इनसे निकलते रहते हैं। और अनस्किल्ड जब वर्क परमिट वीज़े निकलते हैं, इसके अंदर पहली बात इंटरव्यू नहीं होता, बहुत कम चांस होता है कि किसी के अंदर इंटरव्यू हो। लेकिन चीज़ें कौन कौन सी रिकॉर्ड होती हैं, वो सेम चीज़ें हैं कि जिसमें आपके तमाम तरह दस्तावेज़ आते हैं, और उसके बाद आपके दस्तावेज़ के साथ साथ आपने अपना टेस्ट करवाना होता है, मेडिकल टेस्ट है आपका, वो ज़रूरी है, दोनों दोनों शर्तों के अंदर है, ठीक है, स्टडी में भी और इसमें भी। और उसके बाद आपको एम्प्लॉयर चाहिए, या तो आपको एम्प्लॉयर जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो हो, या अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो आसान तरीका क्या होता है, हम अपनी कंट्री से, जो हमारी कंट्री है उससे कंसल्टेंट हायर करते हैं, वो कंसल्टेंट जिसके पास वीज़े होते हैं, तो वो कंसल्टेंट ही आपको वीज़ा दे सकता है, ठीक है। उस कंसल्टेंट के थ्रू ही आप अपने सारे तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन सारी करवाते हैं और फिर आप वर्क परमिट पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखें डिफरेंस ये है कि स्टडी के अंदर जब एक लड़का यहाँ पर आता है तो वो अपनी फैमिली को नहीं बुला सकता, और इवन के वो काम भी इतने ज़्यादा घंटे नहीं कर सकता, मिनिमम 15-20-25 घंटे काम कर सकता है एक वीक के अंदर। अब जो बंदा वर्क परमिट पर यहाँ पर आता है वो काम भी कर सकता है, ठीक है, वो काम भी करेगा और फुल टाइम करेगा, एक वीक के अंदर 40-45 घंटे काम कर सकता है, इतने ज़्यादा घंटे वो काम, इवन के पार्ट टाइम वो कुछ और भी कर सकता है। वर्क परमिट के अंदर ये बेनिफिट है, और वर्क परमिट के अंदर यहाँ तक भी है कि अगर आप अच्छा टैक्स दे रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, उस बेस पर आप अपनी फैमिली भी अप्लाई कर सकते हो। फैमिली के अंदर आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ये मेन चीज़ें, ये मेन हैं पर्सन जिनको आप अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट के ऊपर, और जिसमें आपने टैक्स दिया हो। और इन केस अगर आपकी अपनी कंपनी है, अगर आप अपनी कंपनी यहाँ पे खोल लेते हो, कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, उस बेस पे आप अपनी फैमिली से अपने ब्रदर्स को भी, अपने कज़न्स को भी, और अपने इलाके के अगर लोगों, किसी को चाहो बुलाना, उनको भी बुला सकते हैं। ये है वर्क परमिट और स्टडी के अंदर दोनों में डिफरेंस। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें कौन सी कंट्री स्टडी के लिए बेस्ट है। देखें स्टडी के लिए जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है
और जो बड़ों का भी एक्सपीरियंस है उस लिहाज से यूरोप के अंदर नंबर वन पे आता है इटली। स्टडी में आप यहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इटली, फ्रांस बहुत ज़बरदस्त है, हमारी लेडीज़ और जितने भी लड़के हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं, फ्रांस के अंदर जाते हैं। और नंबर थर्ड पे आता है जर्मनी। जर्मनी के अंदर भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई किया और वहाँ पे सेटल हैं इस वक्त। मैंने ये तीन यूनिवर्सिटीज़ का, तीन कंट्रीज़ का नाम क्यों लिया, इसलिए लिया, एक तो यहाँ पर पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पर स्कोप बहुत अच्छा है। स्कोप इस तरह से अच्छा है कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के साथ साथ जब आप यहाँ पे स्टडी एक साल का कोर्स है या दो साल का कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर आपको वहाँ पे रेजिडेंसी भी मिल जाती है और आप वहाँ पे वर्क परमिट भी करते हैं, फिर आगे अपनी लाइफ को भी सेटल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क परमिट के लिए कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा बेस्ट हैं। वर्क परमिट के लिए जब आप आते हैं तो मेरी नज़र में यूरोप के अंदर नंबर वन पे इटली, नंबर टू पे है पुर्तगाल, नंबर थ्री पे है माल्टा। ये तीन कंट्री हैं जो कि वर्क परमिट के लिहाज से सबसे बेस्ट हैं। क्यों? क्यों की वजह ये है कि यहाँ पे आप वर्क परमिट के साथ साथ आप अपना जो बैकअप है वो भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और यहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी इन कंट्रीज़ के अंदर बुला सकते हैं। और ये तीनों कंट्रीज़ यूरोप के अंदर आती हैं, शेंजन हैं यूरोप के अंदर, और ये सबसे बेस्ट है और ईज़िली इनके वीज़े आए दिन वीज़े निकले होते हैं, आप वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन सी कंपनी है जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और स्टडी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वर्क परमिट पे भी। देखिए VFS के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या तो स्टडी बेस पे या वर्क परमिट पे, दोनों में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है और ये एक कंपनी है जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी है और इंडिया के अंदर भी है। ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स इसके थ्रू ही अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करते हैं। आपने UK, कैनेडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नैदरलैंड और यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसी वेबसाइट के थ्रू लोग अप्लाई करते हैं। इनका अदारा भी है हमारी कंट्री के अंदर, लोग अप्लाई करते हैं। अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जब वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि विदाउट अपॉइंटमेंट आप वहाँ पर नहीं जा सकते, जब आप वहाँ पर जाएँगे अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल वहाँ पर देंगे। और इनका काम क्या होता है कि इनका काम होता है आपकी तमाम तर जो फाइल है उसको सारा क्लियर करने के बाद वो फाइल आगे सबमिट कर देते हैं और इसमें कुछ वो अपने चार्जेस भी लेते हैं। चार्जेस लेने के बाद उनका काम है फाइल आगे सबमिट कर देना और वीज़ा लगे या ना लगे ये उन पर उनका काम नहीं है। असल में इनका काम होता है कि ये आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को सीधा करके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसके थ्रू फिर वो आपको आगे आपकी CV को, आपके डॉक्यूमेंटेशन को आगे एम्बेसी में भेज देते हैं। अब वहाँ से वीज़ा लगे या ना लगे ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनकी टेंशन नहीं है। तो ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर अप्लाई करके आ रहे हैं और अगर वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो जो लोग भी सेंसिबल हैं, जो नॉलेज रखते हैं, जिन लोगों को पता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो वो थ्रू चैनल इस तरह से काम कर सकते हैं। और ये एक वेबसाइट है और ये एक कंपनी है जो कि हर कंट्री के साथ काम कर रही है और थ्रू चैनल लोगों को वीज़े भी लगवा के दे रही है और स्टडी बेस पर भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। वेल होप्स हो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और अगर फ़ायदा हुआ है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।